हेलो एवरीवन, आज आपका स्वागत है वायरल एक्सपर्ट में। एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छी, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका मोबाइल क्यों धीरे चार्ज हो रहा है, डेटा केबल ख़राब है, चार्जर ख़राब है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा और ये आपको अपने मोबाइल पे ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज वही वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगी जिसका नाम आईक्यू बैटरी है। ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये आईक्यू बैटरी है जो कि मैंने पहले ही से इंस्टॉल कर रखा है। तो इसको इंस्टॉल करेंगे तो उसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। पहले इंस्टॉल कर लें, उसके बाद यहीं से आप ओपन करा लें। ओपन कराने के बाद आपको कुछ ऐसा सर्कल दिखाई देगा, तो ये बता रहा है आपका मोबाइल में, मेरे 6% बैटरी है क्योंकि मैंने सुबह से चार्ज नहीं किया है, और ये 27 मिनट तक चलेगी, ये भी बताएगा आपको। और ये अगर मैं स्टैंड बाई मोड पे रखता हूँ तो ये 7 घंटे 4 मिनट चलेगी, और अगर मैं इसको खोलता बंद करता हूँ, यूज़ करता हूँ, तो 48 मिनट चलेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं डेटा केबल की तरफ। डेटा केबल की तरफ आएंगे, इधर वाला आपको ये दिखाई देगा 91। ये जब आप चार्जिंग पे लगाएंगे तब आपको पता चलेगा इसके बारे में। जैसे कि मैं लगा के दिखा दूँ, ये मैंने चार्जिंग पे फ़ोन लगा दिया है। अब आपको यहाँ पे जितनी भी चार्जिंग करनी है, सपोज 91% करनी है, तो ये 91% करने पे ये अलार्म बजाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि 91% हो गई है। वैसे भी मोबाइल की बैटरी पूरी नहीं चार्ज करना चाहिए, 90% या 80% करना चाहिए। आते हैं दोस्तों केबल की तरफ। तो ये जो करंट चार्जर दिखा रहा है, ये करंट चार्जर जो ग्रीन और येलो हो रहा है, ये 770 mAh दिखा रहा है। इसका कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपका डेटा केबल है। ये डेटा केबल दिखा रहा है, अगर से ये ग्रीन हो के यहाँ तक आता है, 100 तक, 1000 तक आता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका केबल और चार्जर दोनों सही है। और अगर ये जो है एकदम ही लो होके दिखाता है, रेड होके दिखाता है, तो समझ लिए आपका मोबाइल का चार्जर या डेटा केबल में कुछ दिक्कत है। और ये आपका एवरेज स्पीड भी बताएगा आपका। ये देखिए एवरेज स्पीड आ गई है, ये 61.3% आवर के स्पीड से चार्ज करेगा। ये अगर से 860 के हिसाब से चार्ज करेगा तो टेम्परेचर इसका ये दिखाएगा आपको मोबाइल का, और वोल्टेज आपके जो चार्जर से आ रहा है मोबाइल के अंदर, ये दिखाएगा 3803 वोल्टेज। तो बैटरी लेवल आपका ये नीचे आ गया 7%। ठीक है दोस्तों, चार्जिंग टाइम में इसका लगेगा 1 घंटा 53 मिनट, क्योंकि मेरा चार्जर थोड़ा स्लो है, लोकल टाइप का है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम दिखा रहा है। 100% चार्जिंग में दिखाएगा ये देखिए दोस्तों 2 घंटे 17 मिनट। ठीक है, इसमें टाइम ही बताएगा आपको कि 9:30 बजे होगा या जो है 9:30 बजे होगा। तो ये एप्लीकेशन बहुत ही ज़रूरी है, हर मोबाइल में होना चाहिए, जिससे कि आप लोगों को अपने चार्जर के बारे में और उसके मोबाइल के बारे में, दोनों के बारे में पता चलना चाहिए कि हमारा चार्जर सही है या कुछ भी ख़राब है, तो आपका मोबाइल ही आपको बता देगा। और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों और लाइक ज़रूर करें। अपना समय देने के लिए थैंक यू।